जैसे कि आज का जो कंटेंट होने वाला है वो होने वाला है डेनिम्स के ऊपर, यानी कि अगर मैं फैब्रिक फील कर रहा हूँ तो मतलब बहुत ही सही है, और लाइक्रा अगर इसके अंदर मिक्स है तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका एडवांटेज ये होने वाला है कि जल्दी फेड नहीं होने वाले। वाह, तो इसके ऊपर गाइस एमआरपी भी आई हुई है, 4599 का इसके ऊपर एमआरपी है। सबसे पहले तो गाइस आप इसका लुक देखिए और कलर देख लीजिए, कलर बहुत ही यूनिक है। तो बटन्स भी एकदम प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ किए गए हैं। सबसे पहले ये टैग वगैरह देख लीजिए, तो टैग्स वगैरह एकदम इंटैक्ट है। इंडिगो डेनिम्स के जो शेड रहता है ना, यानी कि हल्का सा डार्क और फिर हल्का सा लाइट, यहाँ पे टैग देखिए गाइस। हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल ई वार्डरोब। गाइस कैसे हो आप सब लोग? गाइस आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे रहोगे। वेल, जुलाई का जो मंथ है वो ऑलमोस्ट पूरा होने को आया है, कल लास्ट डे है, ऑफर का भी लास्ट डे है। तो गाइस ऑफर रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है भाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। गाइस नया महीना आ रहा है, नए फेस्टिवल्स आने वाले हैं, रक्षाबंधन के भी फेस्टिवल आने वाला है इसमें, और हमारी टीम जो है वो कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स के लिए भी वर्कआउट करेगी। वेल, वो अभी तक तो वर्कआउट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द कुछ रक्षाबंधन में भी ऑफर लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। वेल एनीवेज, तो गाइज जैसे कि आज का जो कंटेंट होने वाला है वो होने वाला है डेनिम्स के ऊपर। ये जो डेनिम्स होने वाली है ना, ये प्रीमियम क्वालिटी की वन ऑफ द बेस्ट डेनिम्स होने वाली है, यानी कि इसकी जो फैब्रिक क्वालिटी होने वाली है वो बहुत ही सही होने वाली है, और जो ब्रांड होने वाली है वो है इंटरनेशनल। तो एक ग्लिम्स दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए डेनिम्स काफी अच्छे आए हुए हैं, और जो कलर कॉम्बिनेशन इनका होने वाला ना बहुत डिफरेंट है और बहुत क्लासी है। तो अगर आप ये डेनिम्स ऑप्ट करते हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही सही डिसीजन रहेगा आपका। स्टार्ट करते हैं गाइस, ये देखिए सबसे पहले तो गाइस आप इसका लुक देखिए और कलर देख लीजिए, कलर बहुत ही यूनिक है और इतना इजीली अवेलेबल नहीं रहता है मार्केट में। हालांकि बहुत सारी डेनिम कंपनीज जो है ये कलर्स जो है ऐसे कलर्स बनाती बहुत कम है, लेकिन यस गाइस ये वन ऑफ द ट्रेंडिंग कलर है। आइए इसके ब्रांड के बारे में देखते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले ये टैग वगैरह देख लीजिए, तो टैग्स वगैरह एकदम इंटैक्ट है, ब्रांड होने वाली है ये इंटरनेशनल। तो ये देखिए यहाँ पे टैग देखिए गाइस, टैग काफी अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। वाह, तो इसके ऊपर गाइस एमआरपी भी आई हुई है, 4599 का इसके ऊपर एमआरपी है। इसके अलावा गाइस वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस की अगर बात करें तो सारे वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस भी इंटैक्ट हैं, कुछ ईयर वगैरह भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट कोड वगैरह भी दिया हुआ है। गाइज अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसके फैब्रिक के ऊपर। तो भाई क्या होता है ना, बहुत बार लोग जो है ये फैब्रिक को अक्सर डेनिम फैब्रिक समझ बैठते हैं, लेकिन गाइज ये डेनिम ही है, डेनिम फैब्रिक ही है, लेकिन इसके अंदर एक हल्का सा लाइकरा मिक्स रहता है। तो लाइकरा मिक्स में क्या होता है ना, आपको एक हल्का सा स्ट्रेच मिल जाता है। तो बहुत लोग है ना जो नॉन स्ट्रेच डेनिम्स जो है वो नहीं पहनते हैं और स्ट्रेच वाले डेनिम ज़्यादा प्रिफर करते हैं। तो ये देखिए हल्का सा एक स्ट्रेच है इसके अंदर, लेकिन बहुत ही माइनर सा रहेगा, इतना ज्यादा भी ऐसे खींच नहीं सकते इसको। तो हल्का सा एक स्ट्रेच है, लेकिन वेयरिंग में ये बहुत कंफर्टेबल होने वाला है, बहुत ही सही होने वाला है। अगर आप यहाँ पे इसकी लेग साइज भी देख रहे हो तो कैसा है कि ये स्लिम स्ट्रेट डेनिम्स है, ज्यादा लूज भी नहीं होने वाले ये और ज्यादा टाइट भी नहीं होने वाला है। तो बहुत ही सही कलेक्शन आई हुई है गाइस। अब प्रोडक्ट देख के तो मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये प्रीमियम कलेक्शन होने वाली है, लेकिन प्राइस टैग भी है तो बता नहीं सकते कि ये 100% ओरिजिनल है या प्रीमियम है, लेकिन यार बहुत सही लग रहा है। मतलब अगर फैब्रिक का फील करूं तो कॉटन डेनिम्स में लाइक्रा मिक्स और हल्का सा स्ट्रेच बहुत ही रेयर मिलता है, ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत रेयर मिलते हैं। तो ये देखिए बैक लुक देखिए इसका गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा ये बेसिक डेनिम्स है, तो आप कभी भी कैसे भी कौन से भी स्टाइल्स में जो है इसको वेयर कर सकते हो, ज्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलर वेयर्स के लिए ये डेनिम्स जो है बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे इसकी वेस्ट साइज की बात करते हैं, तो ये देखिए वेस्ट है इसका 30 एंड लेंथ है इसकी 34। तो ऑलमोस्ट जितने भी डेनिम्स मेरे पास आए हुए हैं वो 34 लेंथ के ही हैं, तो ये ज्यादा लंबे भी नहीं है और ज्यादा छोटे भी नहीं है। तो यस, एक स्लिम स्ट्रेच और स्ट्रेट फिट डेनिम्स है, बहुत ही सही कलेक्शन आई हुई है। आइए देखते हैं इसका और भी आर्टिकल्स इसके देखते हैं गाइस। सारे कलर्स मैं आपको दिखा दूंगा, सारे शेड्स मैं आपको दिखा दूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब ये देखिए भाई ब्लैक कलर,
तो ब्लैक भी जेड कलर जेड ब्लैक डेनिम जो है ये ब्लैक बहुत ही सही लग रहा है। यानी कि अगर मैं फैब्रिक फील कर रहा हूँ तो मतलब बहुत ही सही है और लाइक्रा अगर इसके अंदर मिक्स है तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका एडवांटेज ये होने वाला है कि जल्दी फेड नहीं होने वाले। यानी कि ब्लैक डेनिम्स में क्या होता है ना, बहुत लोगों को ये सवाल रहता है कि भाई ये फेड हो जाएंगे, फिर कैसा थोड़ा ग्रेश शेड आ जाता है यहाँ पे। तो वेल इसके अंदर लाइक्रा मिक्स है तो हालांकि ये चीज होनी नहीं चाहिए। तो ये देखिए इस पॉकेट वगैरह पे अगर देखें तो काफ़ी प्रॉपर ब्रांडिंग की गई है यहाँ पे। इसके अलावा अगर बटन्स देखें तो बटन्स भी एकदम प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ किए गए हैं। ये देखिए रिबिट्स वगैरह पे भी प्रॉपर ब्रांडिंग की गई है। और अगर यहाँ पे पॉकेट की बात करें तो पॉकेट का भी जो फैब्रिक है बहुत सही आया हुआ है। अब ये देखिए ये तो प्रिंट किया हुआ है, 30 इसकी वेस्ट साइज़ है और 34 लेंथ है। वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस एकदम सेम रहेंगे, टैग्स वगैरह एकदम इंटैक्ट रहेगा, इनफैक्ट प्राइस टैग जो है वो भी यहाँ पे है अवेलेबल। तो ये देखिए प्राइस टैग भी अवेलेबल है। तो गाइस डेनिम्स को फील करने में जो है बहुत ही सही इसका फील आ रहा है। गाइस इसमें मैं आपको साइजेस बताने चाहूंगा, मेरे पास इसमें सारे साइजेस अवेलेबल है, 30, 32, 34, 36 एंड 38 सारे साइजेस मेरे पास इसमें अवेलेबल है। तो भाई ये वाला शेड देखिए यार कितना सही शेड आया है, मतलब ये इंडिगो डेनिम्स के जो शेड रहता है ना, यानी कि हल्का सा डार्क और फिर हल्का सा लाइट, अगर आप इसके ऊपर व्हाइट शर्ट पहनते हैं या फिर ब्लैक टी शर्ट्स भी पहनते हैं ना तो बहुत सही लुक आता है गाइस। नीचे से अगर आप स्नीकर्स वगैरह कैरी करते हो तो बहुत ही सही लुक आने वाला है इस पे। बेसिक कलेक्शन है, जैसे कि अब ऑफिस वगैरह भी स्टार्ट हो गई है, बहुत सारी कंपनीज ने सेमी कैजुअल्स जो है वो अलाउ कर रखे हैं, तो भाई वहां पे तो ये पहन के बेस्ट चीज है। यानी कि बहुत ही डिसेंट लुक आने वाला है, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं होने वाले और ज्यादा लॉन्ग भी नहीं होने वाले, तो वेयर करने में इसकी स्टाइलिंग जो है बहुत सही लगने वाली है। तो ये देखिए गाइस, वैसे तो इसका अगर लेग साइज अगर मैं देखूं तो ये टैपर्ड डेनिम्स लग रहे हैं, यानी कि टैपर्ड जो रहते हैं फिट्स और ज्यादा क्रॉप्ड भी नहीं है और ज्यादा स्ट्रेच भी नहीं है। तो ये देखिए तो शेड्स काफी अच्छे आए हुए हैं इसके। गाइस अब बात आती है ना इसके प्राइसिंग की, वेल अब देखिए प्राइस टैग तो इसके ऊपर लगे हुए हैं, 4599 के प्राइस टैग लगे हुए हैं, लेकिन गाइस ई वार्डरोब आपको दे रहा है वन ऑफ द बेस्ट प्राइस, वो है सिर्फ 1199, यानी कि 1200 रुपीस प्लस शिपिंग में ये अमेजिंग से डेनिम्स जो है आपके पास पहुंच जाएंगे। तो गाइस ये वाला शेड देखिए, तो गाइस शेड जो है काफी अच्छा आ रहा है। गाइस एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इसमें ये बताना चाहूंगा कि आप ऐसे डेनिम्स को जब आप फर्स्ट सेकेंड या थर्ड वॉश करते हैं तो बहुत ही नॉर्मल सा डिटर्जेंट डालिए और उसको ठंडे पानी में धोइए, क्योंकि क्या होता है ना ये डार्क कलर के डेनिम्स हैं, हल्का हल्का सा ना कलर छोड़ती हैं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आए हुए थे, बहुत सारे कस्टमर्स के रिव्यूज आए कि भाई डेनिम जो है आपकी वो कलर छोड़ रही। तो भाई कलर इसके लिए छोड़ रही है क्योंकि ये जो है एकदम डार्क डेनिम्स है, तो कैसा बताना ये फैब्रिक को पूरा डाई किया रहता हुआ है तो थोड़ा सा जो है कलर छोड़ता है। तो गाइस या तो आप इसको उल्टा करके धोइए या तो फिर आप इसको हल्का सा डिटर्जेंट लेके और नॉर्मल से ठंडे से पानी में इसको धोइए, ज्यादा इसको भिगाइए मत, तो कलर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और शेड वैसा का वैसा ही रहेगा फर्स्ट 2 to 3 वॉश, तब तक जब तक इसका कलर पूरा सेटल हो जाए डेनिम्स के अंदर। तो भाई बहुत ही सही चीज आई हुई है। ये देखिए गाइस अगर आपको कोई भी आर्टिकल पसंद आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिए और यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप के लिंक पे व्हाट्सएप के नंबर पे आप मेरी टीम से जो है कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये वाला शेड देखिए गाइस, तो गाइस डार्क कलर में जो है इसमें बहुत सारे शेड्स दिए हुए हैं, थोड़े बहुत जो है चेंजेस हैं इनके अंदर, लेकिन बहुत सही लग रहा है यार, मतलब वेयर करने में ये काफी डिसेंट लुक आने वाला है। और फैब्रिक की बात करूं तो फैब्रिक बहुत ही सही लग रहा है। वाह यार ये वाला देखिए यार, फुल ग्रे कलर का डेनिम, जैसे कि मैंने बताया कि यार इस ब्रांड की खासियत ऐसी है ना, तो बहुत ही डिफरेंट कलर शेड्स देते हैं, यानी कि मार्केट में काफी डिमांडिंग कलर शेड है, ये ग्रे कलर है और बहुत सही लुक आ रहा है। तो गाइस कैसे भी आपके जीन्स हो, टी शर्ट्स हो या फिर शर्ट्स हो, तो ये डेनिम्स जो है 100% उनके ऊपर जाएंगे। तो गाइस ये था आज का अमेजिंग कलेक्शन, कल फिर कुछ आप लोगों के लिए नया जरूर ले आऊंगा। गाइस अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरी टीम से आप बात जरूर करिए, 1199 प्लस शिपिंग में जो है ये डेनिम्स आपके पास आ जाएंगे। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा गाइस कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, तो भाई अगर आपको ऐसे लग रहा है
तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्ट कर सकते हो। कोई भी अगर आपको डाउट है आप मेरी टीम से बात कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल है, वहां पे भी फॉलो करिए, क्योंकि वहां पे भी बहुत ही अमेजिंग से आर्टिकल्स आ रहे हैं। एक्सेसरीज भी आ रही हैं टेलीग्राम के चैनल पे, शूज, बेल्ट, वॉलेट, सनग्लासेस, वॉचेस, परफ्यूम्स, सब चीजें आ रही है। तो गाइस हमें फॉलो करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा है गाइस, तो फॉलो सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हो, फॉलो भी आप कर रहे हो गाइस, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आनी चाहिए इस चीज की। तो गाइस आज का अमेजिंग कलेक्शन ये है, कल फिर कुछ नए इस चीज के साथ आऊंगा आपके सामने। इन द मीनवाइल स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।